गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं नबल किशोर पंजियार, क्लास 10, सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, टॉपिक उपसर्ग प्रत्यय पदबंध, ये सारे सभी को लेकर मैं एक साथ एक वीडियो के माध्यम से संक्षिप्त में आज बना रहा हूँ इस वीडियो को, क्योंकि इसे विस्तार रूप से मैंने पढ़ाया हूँ। इस वीडियो में मैंने संक्षिप्त करके व्याकरण के उपसर्ग प्रत्यय पदबंध ये सारे को लिया हूँ इस वीडियो के माध्यम से। कृपया आप लोग इसे शुरू से अंत तक रहेंगे और देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए, आपके स्क्रीन पर उपसर्ग और प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या है इसके बारे में नेक्स्ट पेज में जानेंगे। चलिए क्या कहता है उपसर्ग। वे शब्द अंश जो किसी शब्द के आगे लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है तथा उसके अर्थ में परिवर्तन करता है, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय 9 में भी पढ़ना पड़ता है, 10 में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय को हम नहीं जानेंगे तो हिंदी जो स्पर्श संचयन है उसमें बता देता हूँ। और 10 के जो व्याकरण में सिलेबस है पदबंध से शुरू, उसको मैंने पढ़ाया हूँ, फिर भी इस वीडियो में मैंने पदबंध की मिक्सर किया हूँ। तो उपसर्ग किसी शब्द के आगे लगकर किसी एक नए शब्द का जो निर्माण कर देता है, अर्थ में परिवर्तन ला देता है, वह शब्द उसे उपसर्ग कहते हैं। ये आप जानते हैं, पुनः इसे दोहराया जा रहा है ताकि आपको याद रहे और आप जल्दी से पकड़ सको। इस लेवल से मैंने एमसीक्यू में क्वेश्चन भी दिया हूँ और इसे पढ़कर आप समझ सकते हैं और बना सकते हैं। उसे हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि आहार को जब हम लिखते हैं तो आ जोर हार लिखते हैं तो आहार हो जाता है। अगर हम आहार को लिखते हैं तो इसको जब तोड़ेंगे तो आ जोर हार, यानी कि शब्द से पहले लगकर एक शब्द का निर्माण हुआ। जैसे कि हार के पहले अगर आप आ लगा दिए तो आहार हो गया, भोजन हो गया, हार माने हारना होता है। उसके पहले अगर आ लगा देते हैं तो आहार हो गया, तो एक अलग शब्द का निर्माण हो गया। इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे कि हार है, उसके आगे अगर वी लगाते हैं तो वी हार हो जाता है। वही हार बिहार का नाम है और एक नए शब्द का लगने से एक नए शब्द का निर्माण हो गया। कास के पहले अगर आ लगाते हैं तब कास हो जाता है। कार यानी कि आकार हो गया, कार माने कार और आकार माने आकृति हो जाएंगे। चार माने चार, वी लग जाएंगे तो विचार माने विचार हो गया अपना। इसी तरह से हम आपको उपसर्ग के बारे में बताएं। उपसर्ग का जो ट्रिक्स है कि कोई शब्द किसी शब्द से पहले लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता है, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में क्या कहता है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रत्यय क्या है? जो शब्द अंश शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं, जो शब्द अंश के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। उपसर्ग में पहले था और प्रत्यय में बाद में होगा, अंत में मैंने बाद में होगा, उसमें भी एक नए शब्द का निर्माण होगा, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जो शब्द अंश शब्द के अंत में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करता हो उसे हम प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि अब जो है कि पूज आपा जोर पूज पूजापा हो जाएगा, तो इस तरह से ई जोर खेत यानी कि खेती हो जाएगा, नरमी हो जाएगा। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द हैं जिस शब्द को हम अंतिम में लगाते हैं और उस शब्द का एक नया निर्माण होता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो अभी मैं
उपसर्ग और प्रत्यय को जाना, क्योंकि 9 क्लास में भी है, 8 में भी है, 10 में भी है, इसको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताया हूँ। फिर नेक्स्ट पेज में पदबंध है, उसको हम जानेंगे, जो 10 का सिलेबस है उसको हम जानेंगे। वैसे मैंने पढ़ाया हूँ, मैं पीछे के वीडियो में लाइव में भी दिया हूँ, लेकिन MCQ क्वेश्चन का जो एग्ज़ाम होने वाला है मंथली टेस्ट, उसके लिए एक वीडियो को मैंने बनाया हूँ, जिस वीडियो को पढ़ेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। आइए तो फिर क्या है जानते हैं, पदबंध क्या है। इस पदबंध टॉपिक को मैं पढ़ाया हूँ, आप का लाइव क्लास हुआ है, वीडियो भी गया है, PDF भी गया है, इसे पुनः दोहराया हूँ कि सामने एग्ज़ाम है, और किताब में कहानी जब कविता चलते हैं तो ये सारे ग्रामर का अंश होता है उसमें, तो आप जब पढ़ते हो तो थोड़ा कम समझते हो, जिस कारण से व्याकरण को समझना ज़रूरी होगा। तो पदबंध क्या है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, आपके स्क्रीन पर पदबंध लिखा हुआ क्या है, किसे कहते हैं सो जानेंगे। तो चलिए क्या है, शब्द वर्णों के स्वतंत्र और सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। पहला नंबर हम शब्द जान लेते हैं, शब्द कई वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम शब्द कहते हैं, जैसे कि कमल, फूल, तालाब, सुंदर, खिलना, बहुत आदि, ये सारे वर्णों के मेल से शब्द। मेल से जो उत्पत्ति होता है उसको शब्द कहते हैं, और सार्थक शब्द ही पद कहलाता है, सार्थक शब्द नहीं तो पद नहीं कहलाएगा। जैसे कि कमल का अर्थ हुआ, आपको फूल का अर्थ हुआ, तालाब का अर्थ हुआ, सुंदर का अर्थ हुआ, खिलना का अर्थ हुआ, ये सारे कुछ का एक अर्थ होता है, तो अर्थ होने पर ही एक सार्थक शब्द कहलाएगा। पद क्या है, व्याकरणिक नियमों के अनुसार बंधकर जब शब्द प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। जैसे कि मैंने आपको 9 क्लास में बताया था शब्द और पद क्या है, शब्द ही पद हो जाता है, तो व्याकरण नियमों के अनुसार जब वह शब्द व्याकरण नियमों के अनुसार बंध जाएगा तो वह पद कहलाएगा। जैसे कि वह एक शब्द है तो वह सर्वनाम भी है, हम लोग एक शब्द है तो सर्वनाम भी है, तुम एक शब्द है तो सर्वनाम भी है, इसी तरह से शब्द ही पद बनता है जो कि व्याकरण के नियमों के अनुसार बनता है। यहाँ पर एक वाक्य है कि तालाब में खिला कमल का फूल बहुत सुंदर है, तालाब में खिला कमल का फूल ये टोटली एक नाउन है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, तो ये क्रिया बहुत सुंदर है, ये क्रिया विशेषण पद हो जाएगा और ये एक संज्ञा हो जाएगा। तो आप पद सर्वनाम पद होते हैं, संज्ञा पद होते हैं, क्रिया विशेषण पद होते हैं, विशेषण पद होते हैं, ये सारे पद का भेद होता है जो कि आप 9 क्लास में भी पढ़े हुए हैं। आइए फिर नेक्स्ट पेज में क्या है सो हम जानते हैं, वाक्य की रचना अनेक पदों के मेल से होती है। वाक्य का जो रचना होता है ना वो अनेक पदों के मेल से होते हैं, यानी कि जब हम वाक्य लिखते हैं तो उसमें पद का मिक्सचर जरूर रहता है। जैसे कि हम लोग गीत गाते हैं तो हम लोग सर्वनाम पद होंगे, गीत संज्ञा गाते हैं कि अधिक पद मिलकर जब एक इकाई का काम करते हैं तो वे पदबंध कहला जाते हैं, उसको हम पदबंध कहते हैं। पदबंध है क्या, कई शब्दों के मेल से एक वाक्य होता है और शब्द ही पद बन जाता है, तो कई पदों के मेल से भी वाक्य होता है तो वही पद बंध हो गया, मैंने वह वाक्य कई पदों में बंधित हो गया, व्याकरण के नियमों के अनुसार वह बंधित हो गया, उसे हम पदबंध कहते हैं। आप ध्यान से अगर इस वीडियो को देखेंगे सुनेंगे तो आपको शब्द क्या है, पद क्या है, पदबंध क्या है टोटली क्लियर मैं बता रहा हूँ, आप इसे समझ सकते हैं। पदबंध की पहचान के लिए कुछ बातों के ध्यान देना अति आवश्यक होगा। पदबंध की जब हम पहचान करेंगे तो कुछ बात का आपको ध्यान देना अति आवश्यक होगा, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसको बनाकर भेजेंगे कि इसकी पहचान आप कैसे कर सकोगे, कैसे आप जान सकोगे, क्या इसमें ज़रूरी है, क्या क्या पढ़ना है, इसके लिए आपको एक और इसके लिए वीडियो बनते रहेंगे, आप उसका इंतज़ार करेंगे, आप उसे ध्यान देंगे, उसे सुनेंगे। आज तक के लिए हम इतना ही रखेंगे, इस वीडियो को आप देखें, सुने, समझे, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने में जो एग्ज़ाम है वो सामने में एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। और किताब को मैंने पढ़ाया हूँ, उसके बाद
कुछ व्याकरण से, कुछ किताब से, कुछ भारी क्वेश्चन को एमसीक्यू क्वेश्चन देके बना के भेजा हूँ, आपको भारी नहीं है। आज जो बच्चे पढ़ते रहेंगे कंटिन्यू, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसके लिए कोई भी भारी नहीं है, उसके लिए सहज है। जो पढ़ते नहीं हैं उसकी दिक्कत होगा। आज के लिए धन्यवाद।